है एवरीवन, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मम्मी का किचन गार्डन पे। जैसे कि ये देख रहे हो ना, मेरे पीछे मम्मी का किचन गार्डन है। तो मैं यहाँ पे आया था अमरूद तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारा अमरूद पक गया है और मम्मी आ नहीं पा रही है दो दिन से, क्योंकि मम्मी का तबीयत कुछ ख़राब है। मैंने एक पार्सल मंगाया था तो वो पार्सल आ चुका है। तो चलो घर पे जाते हैं और उसके बाद आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि पार्सल में क्या है। और आज का वेदर जो है ना, ऐसा कुछ है वेदर, आज बहुत ही गर्मी है, इसीलिए मैंने कैप पहन के आ गया सेफ्टी के लिए। तो चलो पहले जाते हैं, अमरूद तो तोड़ लिया, चलो अभी जाते हैं घर पे, जाने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। चलो तो गाइस, मैं आ चुका हूँ घर पे और जो पार्सल है वो है ये। चलो तो उसके अंदर क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वैसे भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा थंबनेल एंड टाइटल से, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक गोरिल्ला ट्राइपॉड जिसे मैंने मंगवाया अमेजन से। चलो उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं वो कैसा है। तो वैसा उसके अंदर से मुझे दो चीज़ मिला है, एक है मोबाइल होल्डर और एक है ये पोर्ट। सो गाइस, मेरा जो पार्सल है मैंने अनबॉक्स कर चुका हूँ। वैसे तो मैं अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, मेरा जो चैनल है वो ब्लॉगिंग का चैनल है, मैं डेली ब्लॉगिंग करता रहता हूँ। तो अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका मैं रिव्यू देता रहूँगा, मतलब अभी तो नया है तो उसका तो रिव्यू मैं नहीं दे सकता, उसको यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने के बाद ही मैं आप लोगों को रिव्यू दे सकता हूँ कि इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर कुछ निकलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अनबॉक्सिंग के बाद मैंने उसको फिक्स कर दिया मेरा मोबाइल से, तो ऐसा कुछ दिखता है ये। इसको मैंने अनबॉक्सिंग किया क्योंकि मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा लगेगा उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये ऐसा एक ट्राइपॉड चाहिए और आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल से भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो उसका रिव्यू तो मैं आप लोगों को देता रहूँगा, तो उसके लिए जुड़े रहना मेरे चैनल पर। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी थोड़ा काम है वो कर लेता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है वो। तो काम ख़त्म हो चुका है, जो काम था, जो इम्पोर्टेंट काम था, जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था वो, क्योंकि उसके ना बालों में कुछ सेक्ट्स लग गए थे उसके बालों में, तो उसको नहाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था, तो इसीलिए मैंने नहा दिया। और कुछ लोग बोलेंगे कि उसको रस्सी से क्यों बांधा है, तो रस्सी से इसीलिए बांधा है क्योंकि मुझे पता है बिल्ली लोगों को ना पानी से बहुत ही डर लगता है, जब भी मैं उसके ऊपर पानी डालूंगा ना तो वो पक जाएगा, इसीलिए मैंने उसके गले पे रस्सी लगाया। और अभी मुझे भी नहाना है, बहुत ही पसीना पसीना हो चुका हूँ, तो नहाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर से। सो गाइस, आज का वेदर बहुत ही गर्म था और नहा धो के खाना वाना खा के सोचा था एक पावर नैप लूँगा, एक छोटा सा नैप लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही गर्मी था और गर्मी की वजह से नींद भी नहीं आया। अभी वेदर भी थोड़ा सा अच्छा हो गया तो सोचा कि थोड़ा बहुत टहलने के लिए निकल जाऊँ तो अच्छा लगेगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ माई डे।